तो अभी अभी मेरे पीछे से पुलिस की कार निकली और अनाउंसमेंट हो रही है कि कोई भी घर से बाहर ना निकले, राशन सामग्री आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। लॉकडाउन का टाइम है, आप जानते ही हैं, और थंबनेल में बिल्कुल आपने सही देखा कि न्यूज़पेपर में मेरी पिक आई थी। और वो फ़ोटो किस लिए आई थी, क्या न्यूज़ छपी थी, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इतनी जल्दी बताना सही नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पसंद आने पर लाइक भी कर दीजिएगा आखिरी में। धीरे धीरे आप मेरे व्लॉग्स देखते रहेंगे तो आपको पता ही चलेगा कि क्यों, क्या वजह थी कि मेरी फ़ोटो जो है न्यूज़पेपर में आई थी। कुछ हिंट मैं ज़रूर आपको दे देता हूँ। उस दिन 6 मई थी 2019, उस दिन वोटिंग का टाइम था। न्यूज़पेपर की मैं पिक दिखा दूंगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे क्या वजह थी, तो इसलिए मैं वो पिक नहीं दिखाऊंगा। आपको सिर्फ खुद ही गेस करना है, और उन लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिनको पहले से पता है कि क्यों मेरी पिक आई थी न्यूज़पेपर में, वो कमेंट नीचे ना करें, या तो कमेंट करें तो आंसर ज़रूर ना दें, बस ये बोले कि हाँ पता है मुझे। नहीं, कोई चोरी चकारी नहीं की थी मैंने, जो आई थी सही चीज़ के लिए ही आई थी। मैं वोट डालने गया था 6 तारीख को, और आप बोलेंगे कि यार वोट डालने तो हम भी गए थे, हमारी तो पिक नहीं आई न्यूज़पेपर में, आपकी क्यों आई? तो उसकी काफ़ी मेन वजह थी। और जो वोटिंग का एरिया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे घर के ठीक पीछे एक स्कूल है, अभी कंस्ट्रक्शन में है तो काम स्टार्ट हो गया है, तो यहीं पे वो वोटिंग एरिया था और मैं यहीं पे वोट डालने गया था। उसी दिन जो न्यूज़पेपर है वहाँ पे मेरी पिक अगले दिन आई थी 7 तारीख को। यानी कि आपको 7 तारीख का न्यूज़पेपर का निकालना होगा और आपको ढूंढना होगा कि क्या न्यूज़ छपी थी मेरे बारे में। वैसे आपको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। और आज जैसे कि लॉकडाउन का टाइम है तो मैं सोच रहा हूँ कि आसपास का नज़ारा थोड़ा देखा जाए कि किस तरह का नज़ारा है, और हम बाहर नहीं निकल सकते तो क्या हुआ, हमारा पंछी है वो बाहर निकलेगा। ये रहा अपना पंछी जो बाहर के नज़ारे आपको दिखाएगा लॉकडाउन के टाइम पे, कि किस तरह का नज़ारा है, कौन कौन बाहर दिखता है या नहीं। ऐसा कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि वैसे आज लखनऊ पुलिस ने भी अपना बयान जारी किया कि लखनऊ के लोग लॉकडाउन में काफ़ी साथ दे रहे हैं और वहाँ पे ऐसी कोई स्थिति नहीं देखने के लिए मिल रही, जैसे कि ज़्यादा शहरों में आप देख रहे हैं कि लोगों को मुर्गा बनाया जा रहा है, उनकी पिटाई की जा रही है, तो यहाँ पे ऐसा ज़्यादातर नहीं हो रहा है। जो कमिश्नर हैं लखनऊ पुलिस के, वो आज तक पे काफ़ी न्यूज़ चैनल पे आके अपना बयान उन्होंने दिया, तो इसके थ्रू हम देखेंगे। पर अभी काफ़ी हवा चल रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पीछे हवा दिखती नहीं है पर झंडा तो दिख रहा है आपको, तो उसमें उड़ाना इसे ठीक नहीं है, हवा कम हो जाए तो हम इसे उड़ा के देखते हैं। तो हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी पर फिर भी ड्रोन काफ़ी बेहतर तरीके से उड़ा है, तो चल के मैं भी आपको दिखाता हूँ क्या क्या फुटेज आई है उसमें, क्या क्या उसने रिकॉर्ड किया है, और खुद भी देखता हूँ। तो मैंने अब फैसला किया कि आपके लिए थोड़ा सा रिस्क ले लिया जाए और इसे उड़ा के देखते हैं कि ये अच्छे से उड़ पा रहा है कि नहीं इसी वेदर में। राइट लेफ्ट सब हो रहा है अच्छे से, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो अब इसे ऊपर ले जाते हैं और देखते हैं कि कोई इंसान आसपास भटकता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं, किसी की ठुकाई तो नहीं हो रही, अगर वो हो रही है तो वो भी दिख जाएगा। तो अभी तक हमें यहाँ कोई नहीं दिख रहा, रूफ दिखाई दे रहे हैं, लोगों के छत दिखाई दे रहे हैं पर कोई इंसान नहीं दिख रहा है। आगे एक फार्म है जो अब नहीं है, अब छोटे मोटे वहाँ पे घर हैं, तो वहाँ पे कोई भटकता हुआ दिखाई दे रहा है पर वो घर के अंदर ही है, शायद कपड़े वगैरह सुखा रहा है, कोई लेडी है तो वो चलो ठीक है, पर मेन हाईवे पे ले जाके देखते हैं कि वहाँ पे कोई आता जाता हमें दिख रहा है कि नहीं। और ये आप सामने देख रहे हैं, आधा जो रोड देख रहे हैं ये हाफ रोड है, वैसे तो हाईवे है, तो यहाँ पे भी आपने देखा कि कोई नहीं आ रहा है, जबकि मेन रायबरेली हाईवे है लखनऊ का, तो कोई आसपास नहीं दिख रहा है। तो यानी कि बिल्कुल ये खबर सही है, आसपास कोई नहीं दिखा, कोई इंसान घूमता हुआ नहीं दिखा, तो सब यानी कि लॉकडाउन का रूल फॉलो कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे, उम्मीद यही है। बहुत अच्छा है, इंडिया लगे रहो और कोरोना को हराओ, यही उम्मीद है। और चलिए तब अपने पंछी को वापस बुला लेते हैं, इसे भी रेस्ट देते हैं, क्योंकि वैसे भी ऊपर एक चील घूम रही है, कहीं वो इसको अपना शिकार ना समझ ले। तो बैक टू होम माय ड्रोन। देखा आपने ड्रोन का नज़ारा, लखनऊ से संवाददाता प्रतीक राय के साथ कैमरामैन ड्रोन साहब। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, तो वीडियो को पसंद आने पे लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को दबाने के साथ साथ, ताकि आप इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे ब्लॉग देखते रहें, अपनों को खुश रखें, खुद खुश रहें, उसके लिए
वीडियो देखते रहें और क्या। तो मिलते हैं फिर, सी यू अगेन।